तो हेलो गाइज, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया दो न्यूज 0.2 के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे आपका 41 APD में जो आपका फॉर्म आया था उसको भरने का, उसको कैसे भरना उसकी पूरी प्रोसेस हम जानेंगे। आपको मैंने पहले बोला था कि आपको जो सोमवार तक आपको फॉर्म भर के बता दिया जाएगा, पर आपको फॉर्म भरना अभी तक आपको जो जितना मैं भरा हूँ उतना आप तैयार कर लीजिए और डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लीजिए। आपका मेडिकल में थोड़ी सी मेरे प्रॉब्लम आ रही है, वो मेडिकल भी आपको बता दूंगा, यानी कि मैं कल तक आपको मेडिकल बनवा लूंगा। आज मैं गया था मेडिकल वाले पास तो उन्होंने बोला कि आज हमारे जो डॉक्टर हैं वो अथॉरिटी वाले डॉक्टर नहीं है अभी, तो उन्होंने बोला कि कल आपका मेडिकल बना दिया जाएगा। तो कल तक आपको मेडिकल प्रमाण पत्र भी बता दिया जाएगा कैसे आपको मेडिकल प्रमाण पत्र बनाया जाता है और कैसे नहीं। तो हम चलते हैं उस फॉर्म के ऊपर। तो पहले आप अपना ये तो काम कर लीजिए जितना मैंने कर रखा है, इतना काम कर लोगे तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के फिर आपको 2 से 5 मिनट का काम रहेगा, बाकी इतना इससे ज़्यादा काम नहीं रहेगा। तो हम चलते हैं इस फॉर्म को, देखो कैसे बनना है। सबसे पहले आपका ये तो आपका एड्रेस हो गया, ठीक है ना, ये एड्रेस हो गया आपका। एड्रेस होने के बाद में आपको रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर लिखना है आपको 141/2021, ये आपको लिखना है रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर। यहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो चिपकानी है जो आपकी सेल्फ अटेस्टेड होगी, यानी खुद के सिग्नेचर हो किए हुए होंगे। वो मैंने इसलिए नहीं चिपकाई कि कई बच्चों का कमेंट आते हैं, देख इसकी फोटो देख, कई क्या बच्चे कई आप से, ये तो नहीं है कि सब अच्छे हैं, कई ऐसे भी हैं जो कमेंट गंदे करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए फोटो नहीं चिपकाई, क्योंकि ये फोटो मैं चिपकाऊंगा तो बच्चे बोलेंगे यार ये तो क्या करेगा कुछ नहीं, तो मैंने फोटो इसलिए नहीं चिपकाई। तो आप ये बता दो, फोटो में बाद में चिपका लूंगा, आपको फोटो भी चिपका के ये फॉर्म पूरा फिर से दिखा दूंगा कि पूरा फॉर्म कैसे भरा जाता है, क्योंकि मैंने ये वीडियो इसलिए जरूर समझा कि आप इस फॉर्म को भर ले और अपने ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा ले। डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बाद में आपको देखो 5 से 10 मिनट वो फॉर्म लेने लगती है। तो आप फिर मैंने अपना नाम लिख दिया 10वीं मार्कशीट के आधार पर, फिर मैंने अपने पिताजी का नाम लिख दिया, फिर मैंने अपने मम्मी का नाम लिख दिया, तो मैं बता दूँ ये माताजी का नाम लिख दिया, ये तीनों नाम आपको कैपिटल अक्षर में लिखने हैं बिल्कुल। फिर मैंने अपने आधार कार्ड नंबर लिख दिए, फिर मैंने अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क लिख दिया, यानी कि जो भी आपका एक कट ऑफ मार्क्स, जैसे मेरे कट ऑफ मार्क्स 480, यानी कि मेरी एक कट ऑफ मार्क्स है जो आप 480 के ऊपर, ठीक है ना। फिर मैंने डेट ऑफ बर्थ लिख दिया 10वीं मार्कशीट के आधार पर 3/3/1997, 3/3/1997। अब आपको बता दूँ ये लास्ट डेट कैसे काउंट की जाती है, तो लास्ट डेट कैसे काउंट की जाती है आपकी 24 24, यानी कि मैं हो गया 24 साल 4 महीने 28 दिन का, तो वो कैसे काउंट करनी है ये बता दूँ। देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि आपको किस प्रकार काउंट करनी है। सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है 31/7/2021, यानी कि लास्ट डेट लिखनी है फॉर्म की, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, फिर इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। जैसे मैंने 31 में से 3 को माइनस किया आपका आ गया 28, फिर मैंने यहाँ पे भी माइनस किया 4, फिर यहाँ से है। अब कई बच्चों की प्रॉब्लम आएगी कि यहाँ आपका 3, यहाँ आपका 31 हो गया, यहाँ 3 हो गया, तो इससे आप 1 मंथ उधार लोगे, 1 मंथ इधर लोगे, तो ये आपका दिन बन जाएगा, उस दिन में से आपको घटाना है, ठीक है ना। इस प्रकार करना है आपको, ठीक है ना, ये आपको कर सकते हो, ये भी मैं आपको बता दिया हूँ। और सबसे सरल तरीका भी बताने वाला हूँ कि आप गूगल पर जाके एज कैलकुलेटर सर्च कीजिए और वहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ और फॉर्म की लास्ट डेट डाल दीजिए, वहाँ पर भी आपको बता दिया जाएगा पूरा। फिर मैंने आपका देखो ये मैंने मेरा एड्रेस डाल दिया, पूरा एड्रेस मैंने डाल दिया, फिर मैंने परमानेंट एड्रेस डाल दिया जहाँ से जहाँ मैं रहता हूँ, और यहाँ पे मेरा पूरा एड्रेस मैंने डाल दिया। आपको मैं बताता चाहूँगा कि ये दोनों एड्रेस आप सेम ही डालें तो बढ़िया रहेगा। फिर मैंने यहाँ पर डाला सीरियल नंबर, 10th की है, ठीक है, नेम ऑफ कॉलेज, यानी कि नेम ऑफ कॉलेज मैंने, नेम ऑफ स्कूल या नेम ऑफ कॉलेज मैंने मरुदर शेखावटी पब्लिक स्कूल से किया, पर वो स्कूल का नाम इतने दिन नहीं आएगा तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा इसको। फिर मेरा बोर्ड है BSER अजमेर बोर्ड है, वो मैं मार्क्स अपने आप लिख दूंगा। फिर आपको अपने आप ही आपको बता दूँ यहाँ पर आपके कुल मार्क्स लिखने हैं आपका, और आपको परसेंट लिखने हैं, ठीक है ना। तो ये आपको परसेंटेज हो गई, ये आपको परसेंटेज बताना, ठीक है ना। अब चलते हैं पेपर के दूसरे, फॉर्म के दूसरे पेज के ऊपर। तो देखिए फॉर्म का दूसरा पेज आता है, सबसे पहले आता है आपका कास्ट चूज करनी है आपको, SC ST OBC ST EWS या PH या ESM या स्पोर्ट्स पर्सन, जो आपको जो भी आपकी कास्ट हो वहाँ पर आप पोस्ट कास्ट में टिक कर दीजिए, ठीक है ना। फिर आप यदि गवर्नमेंट सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर यस कीजिए, वरना नहीं है तो नहीं कर दीजिए। फिर वो यदि गवर्नमेंट सर्विसमैन है तो आपको डेट ऑफ रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट और टोटल सर्विस ही आपको देना होगा, ये आपको जानकारी देनी होगी, ठीक है ना। फिर आपको करना है PH कैटेगरी के, यदि आप हैं तो वहाँ पर आप PH कैटेगरी बता दीजिए और आप कितने परसेंटेज PH है वो बताना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे रेस करना है और यहाँ पे आपको बताना है कितना परसेंट है। यदि वेदर इम्प्लॉयमेंट न्यूज में अभी एक्सचेंज है, यदि इम्प्लॉयमेंट न्यूज में आपका नेम है तो आपको यस करना है और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देना है यहाँ पे, ठीक है ना, वरना आप नो कर सकते हैं, ठीक है ना। वेदर इज द इम्प्लॉयमेंट सेंटर गवर्नमेंट ऑफ सर्विस में यस, यानी कि आप सेंटर गवर्नमेंट जो सिविलियन होते हो उसमें क्या आप काम करते हो, नहीं तो मैं नहीं करता तो मैंने नो कर दिया, यदि ऐसे तो आपको यहाँ पे देनी होगी आपको डिटेल, ठीक है ना। फिर
फिर आपको करना है यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने, फिर आपको डेट और प्लेस लिखना है जिस दिन आप फॉर्म को डाल रहे हो। तो ये फॉर्म का डेट मैं डालूंगा उस दिन आपकी डेट और प्लेस लिख दूंगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 2 नंबर का पेज। फिर आएगा आपका 3 नंबर का पेज। 3 नंबर का पेज में आता है अंडरटेकिंग वर्किंग सर्टिफिकेट, यानी इसमें बताया गया कि आप श्री एस एम टी कुमार जो भी आप लगाते हो वहाँ पर आप क्लिक कीजिए और अपना नाम लिख दीजिए। फिर अपने पापा जी का नाम और डॉटर ऑफ वाइफ ये लिख सकते हो आप। फिर अपना जो आपका पता है वो लिख दीजिए, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आपको डेट डालनी है, वो डेट और वो डेट एक होनी चाहिए, और आपको पहले से और स्थान एक होना चाहिए, ठीक है ना। वो आपको मिलता, फिर आप सिग्नेचर करने हो, फिर अपना फुल पूरा नाम लिखना है। ये आपका हो गया सिग्नेचर। थर्ड पेज ये आपका आता है चौथा पेज। तो चौथा पेज में देखो साफ साफ क्या लिखा हुआ है। ये चौथा पेज आगे इंडेक्स नंबर आपको खुद नहीं भरने, ठीक है ना। यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटो डोली एसआर अटेस्टेड, यानी कि यहाँ पर भी आपको पासपोर्ट साइज फोटो चिपकानी जो आपको सेल्फ अटेस्टेड होगी। फिर आपको अपना यहाँ पूरा पता लिखना है, जैसे मैंने अपना यहाँ पूरा पता लिख दिया, अजय सेन गोवर्धन लाल यूपीओ भोड़ा डिस्ट्रिक्ट सीकर राजस्थान 3320 BNC, मेरा पोस्ट पिन कोड। आप पिन कोड पूरा पता आप लिखोगे ना तभी आपका इन्हीं एड्रेस के ऊपर आपका जो एडमिट कार्ड है ना, ये एडमिट कार्ड आने वाला और यही एडमिट कार्ड आपका आने वाला है। ये आपको कुछ नहीं भरना है, ठीक है ना। ट्रेड्समैन जैसे फायरमैन ये आपको कुछ नहीं भरना है, ठीक है ना। रिपोर्ट और टेस्ट ये आपको जो भी आपको वो भर देंगे, ठीक है ना। फिर मैंने देखो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाए, तो मैंने 10th की मार्कशीट लगा दी आपकी, 12th की मार्कशीट लगा दी है, ठीक है ना। फिर मैंने ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगा दी, आप भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने आपका सेंटर का जाति लगा दिया जो आपका सेल्फ अटेस्टेड है, सभी आप देख सकते हो। फिर मैंने पिछड़ा वर्ग यानी आपका राज्य का जाति लगा दिया। फिर मैंने मूल निवास प्रमाण पत्र लगा दिया जो भी सेल्फ अटेस्टेड है। फिर मैंने आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगा दी। तो ये तो हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट्स हो गए वो आप देख सकते हो। आप इस वीडियो को एक बार देखो तो 3 बार देखो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि ये वीडियो आप ही के लिए बनाई गई है। आप इसको देख के आराम से फॉर्म भर लेना, कोई गलती ना करना, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। यदि आप बताए हुए भी इसमें से गलती करते हो तो फिर आपका कॉलेटर आने में बहुत ही बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो प्लीज़ इसको फॉर्म को पूरा देखना फिर भरना। आप फॉर्म 2 बार नहीं 3 बार देख लेना आप फिर भरना आपको, क्योंकि आपको भी पता है कि थोड़ी सी भी गलती होगी तो वहाँ से आप रिजेक्ट कर दोगे। फिर इसके अंदर इसके नीचे क्या लगाना आपको, मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट मेरा आज नहीं बन पाया, आपको मैंने कारण बता दिया। मेडिकल बनते ही मैं आपको इसके लगा के और फिर से आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स, और पूरा वीडियो मैं आपको बना के दिखा दूंगा और कैसे इसको स्पीड पोस्ट करना वो भी बता देता हूँ। अब देखो एम्प्लॉयमेंट हम ले चलते हैं वहाँ पर, अब लिफाफे कई बच्चों की प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ा देखो सबसे छोटा लिफाफा होता है ये, जहाँ पर आपको वो अपना पूरा पता लिखना होता है। टू लगा के अपना पूरा पता लिख दीजिए और अपना पिन कोड लिख दीजिए, ठीक है ना। फिर मैं आपको तो मोबाइल नंबर मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि बच्चे कॉल बहुत करते हैं, ऐसे बहुत कॉल करते हैं, और फिर भी यदि कॉल करेंगे तो देखो मैंने मोबाइल नंबर बाद में लिख लूँगा। अपने मोबाइल नंबर जरूर लिखना, 2 मोबाइल नंबर लिख देना, ताकि जैसे आपको पोस्ट ऑफिस में आए तो आपका डाके आपसे संपर्क कर ले, ठीक है ना, पोस्टमैन आपसे संपर्क कर ले। फिर आपको देखो यहाँ पे लिखना आपको जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे मैं ट्रेड्समैन मेट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो ट्रेड्समैन मेट के लिए लिख दूंगा। फिर अपना मेरा पता लिख दूंगा यहाँ पर पूरा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर लिखना है टू द कमांडिंग 41 APD कैमरोन डिपू, पिन नंबर ये 90 97 41 CO 56 APU, ये आपको लिखना है। ये लिखने के बाद में आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको 25 रुपये की डाक टिकट लगानी है। यहाँ पर 25 रुपये की डाक टिकट लगानी है, ठीक है ना। यहाँ पर 25 रुपये की डाक टिकट लगाने के बाद में आपको क्या करना है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है ना। मैं इन डॉक्यूमेंट्स को इस प्रकार करूँगा कि देखो ये डॉक्यूमेंट्स है, इसको स्टेपनर कर लूँगा। स्टेपनर तो बाद में कर लूँगा, पहले बता दूँ आपको ऐसे करना है, ऐसे आपको रखना है। ऐसे रखने के बाद में आपको क्या करना है, इसको इस प्रकार मोड़ना है कि ये एनवलप है ना आपका बिल्कुल भी ना मुड़े, ये एनवलप आपका बिल्कुल भी ना मुड़े, ठीक है ना। तो देखो मैं यहाँ पर मोड़ लेता हूँ, फिर भी आपको बता दूँ आप है ना अंदाजन मोड़ सकते हो, फिर भी आप अंदाजन ना मोड़ के आप इससे मोड़ोगे ना तो आपको फायदा होगा, क्योंकि इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ये मुड़ गया, ठीक है ना, ये मुड़ गया। ये मुड़ने के बाद में आपको फिर से एक बार फिर से मोड़ देना, ठीक है ना। ये एनवेलप अंदर डालना आपको, अंदर डालने के बाद में देखो क्या करना है, इसको ऐसे करना है और इसमें इसमें डाल देना, ठीक है ना। ये डाल दिया, ये डालने के बाद में आपको क्या करना है, एक रजिस्ट्री पोस्ट अपने पोस्ट ऑफिस में जाइए और ये दे दीजिए उसको, और बोले सर
इसके स्पीड पोस्ट कर दीजिए, स्पीड पोस्ट वो कर देगा और आपको एक ट्रैकर आईडी नंबर देगा, वो वहाँ पे चिपकाएगा, यहाँ पे चिपका देगा और आपको भी देगा एक, उससे हम ट्रैक कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। ये तो हो गई फॉर्म की पूरी जानकारी। अब हम बात करते हैं, कई बच्चों के कमेंट आ जाएगी कि जवाब क्यों नहीं देते, तो साहब पूरे जवाब देता हूँ, कमेंट जो आपके बच्चे कमेंट है वो आपके बाद में लेने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, ये फॉर्म भरने की जानकारी आपको मैंने दे दी है। ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आगे मेडिकल का पूरा प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है वो भी आपको जानकारी दे दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।